दोस्तों, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपने मेरी कल की वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि दोस्तों कल की वीडियो में मैंने टेक्निकल योगी योगेंद्र सर के यूट्यूब अपडेट के बारे में बनाई थी, जो अपडेट मुझे अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में नहीं दिखाई दी। जबकि मैंने प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को अपडेट भी कर लिया था, फिर भी जो है मुझे वो अपडेट यूट्यूब में नहीं दिखा। इसलिए मैंने वीडियो बनाया और काफ़ी लोगों से सवाल किया कि क्या टेक्निकल योगी सर झूठ बोल रहे हैं। तो उस वीडियो का इंटेंशन ये नहीं था कि मैं टेक्निकल योगी सर को गलत बोल रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता था कि आखिर उन्होंने जिस अपडेट के बारे में बताया वो अपडेट मुझे दिखा क्यों नहीं। अब दोस्तों उन्होंने रिप्लाई दिया है उस वीडियो में कॉमेंट करके, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये दोस्तों मेरा मोबाइल फ़ोन है और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को अपने स्क्रीन पर लेके आता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अभी आप मेरे मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और मैं ये वीडियो ओपन करता हूँ जिस वीडियो में मैंने कल जो है उनके बारे में बनाई थी। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं कमेंट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे टेक्निकल योगी सर ने क्या कहा है वो कमेंट आप देख सकते हैं। माई डियर, आप इतने ओल्ड क्रिएटर हैं, आपको तो ये बात पता होनी ही चाहिए कि यूट्यूब जब भी कोई न्यू फीचर लाता है तो सबके चैनल पर एक साथ अपडेट नहीं होती है। थोड़ा वेट कीजिए, सभी को ये फीचर मिल जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मैंने भी इसका रिप्लाई दिया, जो सर ने यहाँ पे कमेंट किया था मैंने उसका ये रिप्लाई दिया कि हाय सर, मुझे सच में मतलब नहीं पता था कि अपडेट आने के बाद सबको एक साथ अपडेट नहीं मिलता, क्योंकि मैंने कल अपने YouTube ऐप को अपडेट किया, करने के बाद मुझे जो है ये अपडेट नहीं दिखा। लेकिन दोस्तों मैंने सर से एक बात यहाँ पे पूछी, बट सर क्या आपको ये नहीं लगता कि कोई भी अपडेट YouTube के आने के बाद सबको सेम टाइम पे मिलना चाहिए? अब दोस्तों मैंने सर से वही बोला है, मैंने तो पहले ये बात क्लियर कर दी कि मुझे सच में नहीं पता है कि मतलब YouTube पे कोई भी अपडेट आता है तो सबको एक साथ नहीं मिलता। अभी तक मैं यही जानता था कि जो भी अपडेट आते हैं वो सबको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये नहीं लगता कि जो भी अपडेट आने चाहिए YouTube पे वो सभी क्रिएटर या फिर सभी व्यूअर को एक साथ मिलने चाहिए? क्योंकि दोस्तों सबको YouTube पे बराबर का हक है और जो भी एप्लीकेशन सभी ने सेम डाउनलोड कर रखा है और सबके मोबाइल फ़ोन में सेम है। तो दोस्तों ये इस बात पे आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, सबको अपडेट एक टाइम पे नहीं मिलना चाहिए। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।